नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। सबसे पहले तो कल के वीडियो के लिए और परसों के वीडियो के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कल वीडियो डाला था जहाँ पर फ्यूचर रिटेल के शेयर अचानक से पोर्टफोलियो से गायब हो गए थे, क्या हुआ सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। आप अगर एक बार देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर नया फोरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया है और FEL से जो खबर निकल के आ रही थी वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस पे, ये वाले वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड की। इससे पहले भी मैंने FLFL पे वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर ई वोटिंग का जो इन्होंने प्रस्ताव जारी किया है उस पर मैंने वो वीडियो बनाया। वहाँ पर OTR की प्लानिंग पूरी चल रही है, वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भैया, बहुत सारी जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन है वो लगातार इनके ऊपर बढ़ती जा रही है। तो अभी तक दो दिवालिया पिटीशन यानी प्ली का सामना कर रहा था, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन दिवाला याचिकाओं का सामना कर रही है फ्यूचर लाइफस्टाइल। NCLT ने एक में फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, तो अब अगर फैसला आता है और यहाँ पर एडमिट हो जाती है इंसॉल्वेंसी तो फिर वही ये भी आपको फ्यूचर रिटेल की राह चलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो जो जो फ्यूचर रिटेल के साथ हो रहा है वही यहाँ पर आपको इनके साथ भी होते हुए देखने को मिलेगा। ये 13 सितंबर 10:26 की न्यूज़ है शुरुआत की। ये वीडियो मैं कल बनाया था, मैं पोस्ट करने वाला था, बट कल वो उसमें आपने देखा फ्यूचर रिटेल गायब हो गया, तो उस चक्कर में काफ़ी सारी दौड़ भाग चली, तो इस चक्कर में ही मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में थोड़ा चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, कर्ज में डूबी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड अपने कर्जदाताओं की तरफ से दायर तीन दिवाला याचिकाओं का सामना कर रही है। बिल्कुल, दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए NCLT के समक्ष दायर इन याचिकाओं में एक पर फैसला सुरक्षित है। तो तीन में से एक पे तो फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। फ्यूचर समूह की कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बिल्कुल, तीन जो लेंडर्स हैं कर्जदाताओं में से, दो वित्तीय और एक परिचालन कर्जदाता है। ठीक है, अब ये वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, ठीक है, और परिचालन यानी ऑपरेशनल। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बताया, पूरा डेडिकेटेड वीडियो है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर पे, कि क्या होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर और क्या होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, तो आप एक बार इसको जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के समक्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये का दावा किया है। ठीक है, इन तीनों ने मिला के बोला है कि FLFL का भैया 1100 करोड़ रुपया बाकी है, बकाया है, इनको देना है। FLFL ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दायर मामलों के बारे में दी जानकारी में बताया कि सभी दावों का NCLT के समक्ष कंपनी द्वारा बचाव किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं FLFL पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है और लगी हुई है और बता रही है, इसने जो जवाब दिया है बताया है कि वो ये NCLT के समक्ष जो कंपनी के द्वारा पूरी तरीके से बचाव किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला वीडियो आपने FLFL पे नहीं देखा ना तो आप देख लीजिए जरूर एक बार जाके, उसमें बहुत अच्छा मैंने बताया है। और ई वोटिंग कब तक चलनी है, क्या है, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप एक बार इसको देखिए जरूर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने IBC की धारा के तहत 495.91 करोड़ रुपए की चूक का दावा करते हुए एक याचिका दायर की है। ठीक है, देखिए जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं वो IBC की धारा 7 के तहत करते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं वो धारा 9 के तहत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ये, ठीक है, धारा 9 के तहत। तो यहाँ पर भैया 495.91 करोड़ के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भैया भेजा है, प्ली डाली है, कितना बाकी है। एक अन्य वित्तीय कर्जदाता यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड ने 451.98 करोड़ रुपए के दावों के लिए NCLT से संपर्क किया। बिल्कुल, तो इनका इतना बाकी है और इन्हीं के केस में यहाँ पर NCLT ने अपना जो वर्डिक्ट है उसको भी सुरक्षित रख लिया है। इसके अलावा FLFL को परिचालन से जुड़े कर्ज दे रखे लोटस लाइफ स्पेस LLP ने भी धारा 9 के तहत 150.37 करोड़ की चूक का दावा किया भैया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े अमाउंट इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर इनके पास अभी फिलहाल कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसको दे के कर्जा निपटाया जाए। अब आते हैं कि भैया क्या तारीखें क्या हैं अगली। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ने कहा कि मामले की सुनवाई अभी होनी है। सुनवाई की अगली तारीख तो भैया एक की तो 26 सितंबर है। इसी में ये मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने एक बताया था जब ये शुरुआती पहली पिटीशन जब पड़ी थी इस पर। ठीक है,
बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर 2022 को होगी। तो जो BOI ने डाला है, ठीक है, पीछे आपने देखा ये वाला 495.91 करोड़ वाला जो इसकी तरफ से आई है, प्ली आई है, वो उसकी उस पर सुनवाई होगी 11 अक्टूबर को, ठीक है। एक की 26 तारीख को होनी है, यानी कि जो दूसरी वाली थी, और जो कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप वाली याचिका पर तो आदेश सुरक्षित रख ही लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, माफ़ कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे चार्ट की। यहाँ पर लगातार आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर, और कंसोलिडेशन वाला एक थोड़ा सा फेज भी देखने को मिल रहा है। ये लगातार यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और यहाँ से देखिए, अगर ये 10.5 रुपये पर इतने एक अच्छा सपोर्ट दिया था, 10 रुपये बल्कि 30 पैसे के आसपास, अगर आप देखेंगे जल्दी, इसने जब यहाँ पर गिरा था, गिरावट दिखाई थी, तो यहाँ से इतने बाउंस बैक दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये वाले लेवल को ये तोड़ नहीं पा रहा है, लगभग 11.5 रुपये के लेवल को, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये टूटता है तो आपको ये फर्दर अप मूव दिखा सकता है 12.5 के लिए, और फिर उसके बाद 14 के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। देखिए हालात तो इसके वही भी हैं जो फ्यूचर रिटेल के हुए थे, ठीक है, उनके पास भी अच्छा खासा कर्ज था और नहीं उभर पाए, और यहाँ पर भी इसके पास भी कर्जा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बस ये है, इनके पास बहुत सारे भी संसाधन है, एसेट्स वगैरह कुछ हैं जिसको बेच के और ये सेटल करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं, या जो भी कुछ है प्लानिंग इनकी चल रही है, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव यहाँ पर निकल के आए। जो नए लोग हैं उनसे मेरी बिल्कुल सलाह है कि आप किसी भी तरह से भूल कर भी फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर में एंट्री मत बनाइए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पहले दिन से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ 4-5 महीने हो गए हैं, और इससे पहले से भी बल्कि मान के चलिए, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो इनके पास भैया है वो एवरेजिंग मत करिए, और अपना पैसा और मत फंसाइए इसमें, जितना फंसा फंसा रहने दीजिए, ठीक है। और जिन्होंने, जो नए लोग हैं, आपको लग रहा ना बहुत सस्ता मिल रहा, नहीं, अभी यहाँ से और धड़ाम होगा ना, तो अब ये 5-7 रुपये 4 रुपये पर भी आता हुआ नज़र आ सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी है, एवरेजिंग करने की कोशिश मत करिएगा, अपना और पैसा मत फंसाइए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पर नज़र रखिए, ठीक है। मार्केट में आज भी आपको गिरावट की संभावना होगी, देखिएगा, हो सकता है मार्केट में आज डाउन ट्रेंड रहे, क्योंकि अभी मार्केट अपने क्रूशियल उस पर रेजिस्टेंस पे जो तोड़ा था उसने फिर से उसके नीचे कल बंद हुई थी, आप सब जानते हैं, तो इसलिए अभी आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। वनडे के RSI की बात करें तो 28.85 है यहाँ पर, काफ़ी कमज़ोर। वीकली लेवल पे बात करेंगे तो आपको लगातार गिरावट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब तो से एकदम नीचे और वहीं पर ही कंसोलिडेशन के फेज में दिख रहा है। वन वीक के RSI की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 25.07 बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। बात करेंगे महीने की कैंडल की, तो महीने से आपको लगातार गिरावटों के बाद यहाँ पर आपको पिछले 4 महीनों से उतने ही जोन में घूमता फिरता नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि महीने का RSI भी आप देखेंगे तो 26.0, मतलब एकदम घनघोर तरीके से कमज़ोर हो रखा है, ठीक है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं पूरा कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले कर चुका हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो दे रहे हैं वो एक देख रहे हैं वो एक बार जाके देखें, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भैया अभी इसमें पैसा मत लगाइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, आगे कुछ ऐसी बहुत पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कुछ ऐसा आता है तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे मेरी सलाह इसमें है कि भैया आप उतना ही पैसा लगाएंगे जितना खो जाए डूब जाए, तो टेंशन ना हो, ठीक है। फ्यूचर टेल देखिए, अब मंडे ट्रेडिंग होगी, आप लोग सब जान गए हैं, कल वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फ्यूचर रिटेल में आप देखिए कितना परेशान है लोग, और अच्छा खासा कैपिटल खा चुका है, तो वही सेम चीज़, क्या पता उसी राह पे ये भी अभी निकल पड़े, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सावधानी से इसमें काम करना है। चलिए गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए यार, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो डिस्क्लेमर मैं हर बार लास्ट में देता हूँ, आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं गाइस, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद।